हाँ जी, मेरा नाम डॉक्टर उमेश वाधवानी है और आप देखने वाले हो मेरा स्लीप पे वर्कशॉप जो हमने किया था कल रात को, विच वॉज 17 जनवरी। अगर आपने ये वर्कशॉप लाइव नहीं अटेंड किया था तो लेट मी टेल यू कि हम इस वर्कशॉप में क्या क्या कवर करने वाले हैं। विल बी कीपिंग दिस वेरी इंटरैक्टिव, सो थोड़ा सा आपको जलन होगा कि आप इसमें लाइव क्यों नहीं थे, बट नहीं थे, देर आए, दुरुस्त आए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वी विल बी टॉकिंग अबाउट द बेसिक्स ऑफ स्लीप, स्लीप हमें क्यों जरूरी है, हमें कितने घंटे सोना चाहिए, स्लीप और वेट लॉस और वेट मैनेजमेंट का कनेक्शन क्या है, और अच्छी स्लीप और लंबी स्लीप के बीच में फर्क क्या होता है, एंड सो मेनी अदर थिंग्स। सो हैव फन, एंजॉय द वर्कशॉप। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज कर लो, और अगर आपको मेरे फ्यूचर वर्कशॉप्स के बारे में और जानना हो तो प्लीज व्हाट्सएप मी। व्हाट्सएप का प्राइवेसी का जो इश्यू था वो मई तक डिले हो चुका है, सो डोंट वरी, एंड उसके बाद भी कोई कुछ उखाड़ने वाला नहीं है। हमारी जितनी भी इन्फॉर्मेशन थी ना, उनके पास ऑलरेडी है। सो इफ यू आर ऑन इंटरनेट, प्राइवेसी की तो लगी ही पड़ी है, बट दिस इज अगेन माय पॉइंट ऑफ व्यू। एनीवेज, एंजॉय द वर्कशॉप, फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड डू व्हाट्सएप मी। मिलते हैं। ऑलराइट, वेलकम। स्लीप एक्स इज अ स्ट्रेस बस्टर फॉर मी, Jasmine, that is so true, and that is true for a lot of us. But at the same time, then bahut sare logon ki neend ud jati hai stress mein. Bhavesh is like, more than 8 hours of sleep makes me puffy. Vinay is like, sleep chahiye par aati nahi. It reminds me of very old 90s ka ek song hai jisme Anil Kapoor ka bhai tha. सामने है पर मगर आती नहीं, समथिंग अलोंग दैट लाइन। या किस किस को याद है गाना? ओके, पंखुरी इज लाइक रिकवरी। ओ या, आई हैव सम ओल्डीज इन द हाउस, मेरी एज के लोग। गुड गुड, ओके। लव टू स्लीप एट मॉर्निंग आवर्स। आज सब लोगों के मुझे स्लीपिंग पैटर्न्स पता चलेंगे। Okay, lower. I feel sleepy during afternoon, which is very common again. We have 4 more minutes before we kickstart the session. If anyone wants to say anything, feel free. Chat box is open. And aap unmute bhi kar sakte ho. Heavy breakfast ke baad bahut neend aati hai. Somesh, kya hal chal? हेलो, या कैन यू हियर मी? या हाय, आई एम गुड। गुड, हां बताओ क्या हालचाल? यस, एकदम बढ़िया यार, एकदम बढ़िया, सही है। यार, आप सब लोगों के मुझे फीडबैक फॉर्म्स मिले, काफी ज्यादा प्यार मिला मुझे, बहुत अच्छा लगा। मैंने सब लोगों के इंडिविजुअल फॉर्म्स पढ़े हैं एंड आई विल बी काइंड ऑफ रिवर्टिंग बैक टू एवरीवन इंडिविजुअली वेरी सून, बिकॉज मुझे बहुत सारे इम्प्रूवमेंट्स के लिए भी कुछ फीडबैक आया है, बहुत सारे लोगों ने नए सेशंस के बारे में बोला है। आई विल बी कमिंग बैक टू यू। हैव अ फिक्स्ड टाइम विंडो टू स्लीप अंटिल 11:30, कांट स्लीप आई अक्रॉस 20। ओह, इंटरेस्टिंग। समटाइम्स बहुत नींद आती है बट बेड तक जाते जाते उड़ जाती है। काजोल, इंटरेस्टिंग। आई अभी तक जितने भी कंसर्न्स आए ना, इन सारों के सॉल्यूशंस हमारे पास हैं। डार्क सर्कल्स के डर से आई ट्राई टू स्लीप ऑन टाइम। बहुत सारी चीजों के वजह से भी तुम्हें स्लीप ऑन टाइम करना चाहिए, डार्क सर्कल की वजह से सिर्फ नहीं, और वो क्या रीजन है वी विल कम टू फाइंड आउट टुडे। यस, राइस मेक्स यू स्लीपी, इट्स अ वेरी वेरी कॉमन, एंड उसके पीछे एक रीजन है। सिंस आई बिलीव दैट 7 to 8 hours इज नीडेड टू रेस्ट, आई ऑल्सो समटाइम्स वेक अप इन द मिडल ऑफ नाइट एंड कुडंट गेट स्लीप फॉर 1-2 hours. Yog Nidra for 20 minutes is really helping me relax just before going to bed. Trying this from last week, looking forward to learn from this session. Awesome, Shiva. We will talk about it. Bhavesh is like, hair loss bhi hota hai kya lack of sleep se? Could be connected. We will see if there is any connection there. All right, 2 more minutes. 2 minute hai, thoda tayar ho jao. Agar touch up karna ho to camera ke samne aao. Mujhe nahi to bahut alone feel hota hai. I really feel lonely. Like, I have only 3 people, literally. Daya hai, Smart, Neha aur Shweta ki. Baki sab log dam parde ke peeche baithe hain. It's not fair. So, thank you, Sumesh.
No, thank you so, so much. One change I've made, Dr. Umesh, like with respect to my sleep, is I'm sleeping on time. I'm getting on time even on the weekends, which is helping me a lot. That is one of the hacks that I wanted to give, but aapne already de diya, which is amazing. Awesome. Yeah, my what do you call the rhythm? It has become better. So I sleep at like, even though it's a Saturday or Sunday, I sleep by 9:30, max 10. Mm. And I wake up every morning by 5. Mm. It's like, that circle, it's becoming better. I started doing since 2 weeks now, because of mera school bhi shuru ho gaya, right? And it's like, I like it. I go into deep sleep now. Abhi bari barkam word mat dalo, deep sleep. Kahan se, kaun explain karega? Okay. Aap ho na? हाँ ओके सो ओके एक शब्द आ गया है डीप स्लीप वी विल बी टॉकिंग अबाउट इट श्वेता इज सेइंग व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ ऑन टाइम दैट्स अ गुड वन दैट इज वेरी पर्सनल बाय द वे आई विल बी इन द कैफेटेरिया फॉर डिनर सो वोंट बी कीपिंग द कैमरा ऑन सी पंखुरी आई डोंट थिंक एनीवन हैव एनी प्रॉब्लम विद सीइंग यू ईटिंग ओके सो इट्स योर एक्सक्यूज हम लोगों को तो कोई प्रॉब्लम नहीं है तू खाना खा नहीं खा इट्स कंप्लीटली अप टू यू Bhavesh, constipation bhi hoti hai, lack of, yeah, constipation could be connected. I have a dog who doesn't let me sleep more in morning, just first world problems. Roshni, that is, see, I don't consider it as a first world problem anymore. It's a genuine problem. It is said that individuals sleep 25 years through the light, sleep deprivation causes hallucinations. Dono facts are true. All right, awesome. I think we are on 7:10. Dipti, I completely missed you out because I think your camera was on, but it was hidden behind the chat box. So I couldn't acknowledge. Thank you for being there. Yeah. Hi, Jasmine. Hi, Shruti. Okay. Hi. Awesome. Ooh. Hum thodi der ke liye chat box ko thoda sa hum shant karenge. 4 hours. Something you must eat. Mujhe kafi interesting lagta hai logo ki awaaz sunna, but abhi hume session chalu karna hai. So I'll be muting everyone of you and welcoming you all. Good evening, everyone. Thank you so much for joining me on this Sunday evening. जहाँ पे तुम लोग अपने दोस्तों के साथ drink shrink भी मार सकते थे. But Sunday school, I don't think is it a culture? Sunday को drinks लेना? It's a Saturday evening thing, right? Mainly. Smart भाई तो Sunday को भी काम करने बैठे हुए हैं. But thank you so much for joining in. My name is Dr. Umesh Wadhwani, if someone is new here. I organize these workshops very often and I'm planning to get into a schedule jahan pe hum har hafte ke fix koi day pe aise workshop kare. And I think Sunday evening works better for me, so we will keep it that way. To aaj hum baat karne wale hain neend ke bare mein. Kajol is like, Sunday evening is for me time. I know, and thank you for making me a part of your me time. Thank you very much. Okay, let's get into the topic straight. I love sleeping. Who else shares the mutual feeling? Acha, does anyone feel ke sleep is not productive? Main meri life hai, itni choti si life hai, I'm so proactive, I'm so motivated, mujhe itni sari cheeze karni hai, but main so kyun raha hu? Why is sleeping necessary? Does anyone feel that way? No, I don't. Please, koi to batao mujhe. Highly motivated Mark Zuckerberg ka chacha. Exam ke time pe lagta tha. Okay, exam ke time pe lagta tha. So in my case, I feel probably, you know, if I feel more fresh in lesser sleeping, it would be better, you know. Why do I need to spend so much time to get, you know, a fresh morning? Haan. 6 hours mein agar ho jata to acha hota. Okay. 6 hours mein ho jata to acha tha. Fair. Okay, fair. Cool. Bhavesh is like motivational speakers bhi bolte hain. Kya bolte hain, Bhavesh? Ke sona kam chahiye aisa? Ke make use of each and every minute of your 24 hours. Is it? Koi hai kya jisko sleep se nafrat hai? One who will sleep less lives, more years, more okay. Prachi ko sleep se nafrat hai. Ooh, Prachi, we would love to hear. Yes, sir. Batao kuch apne bare mein.
Why do you hate sleeping? कोई पर्टिकुलर रीजन नहीं है लेकिन नहीं अच्छा लगता. अच्छा लाइक इज इट लाइक सोने के बाद कुछ ऐसा होता है विच कोई एक्सपीरियंस खराब है, नाइटमेयर्स आते हैं, ओवरथिंकिंग बढ़ जाता है सोने के बाद या सोते टाइम? सोते टाइम ही, इसलिए फिर सोना नहीं पसंद. इंटरेस्टिंग. ऑलराइट ओके. अभी है ना मेरे दिमाग में पूरा स्ट्रक्चर रेडी है कि व्हाट आई नीड टू कवर इन दिस सेशन. आई विल टेल यू what we will be covering, but before that I need to know what you want to take away from this session. So mujhe thoda batao ke what is your purpose, like why are you here, what do you want to know from this session, because sleep is a subject main ek saal tak chala sakta hu, hamare paas sirf ek ghanta hai. So tell me poocho mujhse chat box mein so that I know the structure at least ke how I should go about it. Best practices, awesome. Importance of power nap in today's busy world, okay? Sleep almost 12 hours, but phir bhi kam padta hai. How can we make our sleep cycles perfect? How to reset circadian rhythm? What is the best time for sleep? Sound sleep, on time sleep? Sleep aayegi kaise, especially at night, okay? What are sleep cycles? We will talk about that. How can we stop overthinking before sleep? Meditation is the answer. Understanding sleep. Well, we will be waking up well rested. We will talk about that. When it's time to wake up, we try to dream your thoughts on it. Awesome. Jasmine, we will talk about that. It's very interesting. That's the most interesting part about sleep for me. How to be more productive with less sleep. Fair. Kalpanta, 5-6 hours. Fair. Snoring is good for health. No, it's not, Bhumika. Sir, sleep kaise aayegi? We will talk about that. Sleep and weight loss connection. Awesome. I was waiting for that. Why? Credits ke end mein ye sawal kyun aaya? Like itna, kitna minute ho gaya abhi tak? 5 minute pure ho gaye. I was like, kisi ne abhi tak ye poocha kyun nahi hai? Yes, sleep and weight loss ka connection. Quality sleep. Mobile addict before sleeping, want to get over it. That's social media addiction ke baare mein session karenge, uske baare mein baat karenge. Tablet lekar neend aati hai. Awesome. We will talk about how, what tablet and how to get rid of it. Mom snores so much. Respiratory tract ka problem hai. Hurt somewhere. 3 hours is enough. It's not. Sleep jugars like counting sheeps and all. Okay. I would love to hear that from you, Nikhil, thodi der mein. All right. I think we will switch the chat box off and let's talk about sleep. Cool. All right. Okay. Well, first, we will start with learning sleep. Kya hai kya? What is sleep? Koi batayega sleep ka definition? What is sleep? What is your perception? It can't be defined. It can't be defined. Ooh. Dr. Professor Himaditi is saying it cannot be defined. Putting mind at rest. Putting mind at rest, maybe. Relaxation of mind, shutdown time. Why do people get cardiac arrest to sleep mostly? We will try to touch upon that. But that is not much to do with sleep. But we will talk about that. Sleep. What? How do we define sleep? Our body needs rest when your body is in limited function. Okay. What is the difference between sleep and coma? Tum unconscious ho gaye ho aur so rahe ho. In dono mein farak kya hai? Or is it the same? Sleeping is well within our control, I feel. Sleep is well within our control? Matlab, kab sona hai, kab tumhe thakan lag rahi hai, that is. But waking up? Waking, I guess. Waking up is not on our control. Okay. Fair. It's the same. Sleep and coma is the same, Shweta ke liye. Shubhangi is like how to get rid of sleep paralysis is a big topic. We can talk about it. Iske cause ko fix karenge to ho jayega. Anudeep is like cycles of REM and NREM. That's a very technical medicine answer. Medical answer hai. REM and non-REM wala. Coma is severe version of sleep. Abhi tak hume koi definition nahi mila hai na. So I would just agree with Himaditi ke there is no specific way of defining sleep. But sleep is something where your body is going into a restoration.
So it's the restoration process of your body, physically as well as mental. That is what you can define sleep as, unless someone else, like I know a few medics around here, Pankuri is here, Roshni is here, and Dipti is here for that matter. Anyone wants to put kuch dalna chahoge iske andar? No, Dipti. Muscles need recovery, especially. Yeah. So it restore ho raha hai basically. Yes. Mental and physical restoration is happening there. We are doing all day workout, not only fitness and all. Hmm. Anything we can do, we are walking, we are doing something and something. So we need rest. Our body need rest. Okay. So it's a resting state, jahan pe body ke bahut sare restoration functions hote hain. Now, does anyone know why do we need to sleep? To forget things. Because, you know, when someone dies or some trauma comes in, how do we forget that? Hum bhulte kaise? Hum jab sote hai na, we forget half of the things. Hamare jo I guess maine sirf itna hi padha hai. Well, aapne jo bhi padha hai, uska bahut hi chota part wahan se aapne uthaya hai. I mean, it can't be a function of sleep. Ke bhai forget things. आज मेरा ब्रेकअप हुआ है मैं सो जाऊंगा मेरा डन कल से नया चलो टिंडर इट्स नॉट गोना हैपन बट व्हाट्स गोना हैपन देयर इज स्लीप इज एज आई सेड उसके दो एस्पेक्ट्स होते हैं वहां पे फिजिकल रिस्टोरेशन होता है एंड मेंटल रिस्टोरेशन होता है फिजिकल रिस्टोरेशन में तुम्हारी बॉडी का रिपेयरिंग हो रहा है एंड ग्रोथ हो रहा है इन स्लीप एंड That's where weight loss and weight gain ka connection comes in. So if someone is working on the muscle building, to jo bahut sare logo hota hai na ki gym khatam hote hi mujhe pre post workout mein protein peena hai because main abhi workout karke nikla hu aur mere muscle ka repairing workout ke baad tumhari body ke paas dusra kaam hai itna vella nahi hai ki tumne workout khatam kiya aur wo shuruaat kar dega repairing karne ka nahi repairing happens at the night when you are sleeping aur usme bhi ek specific time hai jahan pe तुम्हारा बॉडी फिजिकल रिस्टोरेशन जो जाता है एंड दैट फिजिकल रिस्टोरेशन इंक्लूड्स और इन्वॉल्व्स दिस मसल रिपेयरिंग और तुम्हारी बॉडी के दूसरे मसल रिपेयरिंग अकेली चीज नहीं है बहुत सारी दूसरी चीजें भी रिपेयर एंड रिसाइकल जो हो रहा है एवरीथिंग हैपेंस ड्यूरिंग स्लीप इट डजंट हैपन व्हेन यू आर अवेक रिस्टोरेशन तुम्हारे डैमेज सेल्स का रिपेयरिंग करना तुम्हारे ब्लड सेल का रिसाइकलिंग होना एवरीथिंग हैपेंस इन योर स्लीप मेंटल रिस्टोरेशन की जब बात आती है तो जो तुम्हारी शॉर्ट टर्म मेमोरी है उसको लॉन्ग टर्म मेमोरी में कन्वर्ट करके जो भी तुम्हारी दिन में चीजें हुई हैं उसको प्रोसेस करके अपने अपने ठिकाने पे लगाने का काम भी स्लीप में होता है सो और वो भी एक स्पेसिफिक पार्ट में होता है तो अगर वो पार्ट ऑफ स्लीप इज मेस्ड अप तो तुम्हें मेमोरी में इश्यूज हो सकते हैं सो पीपल हु टेंड टू फॉरगेट थिंग्स वेरी इजिली People who are working out but उनको muscle gain या weight loss नहीं दिख रहा है it could be because कि उनके sleep का कोई stage is messed up and we will talk about them in a bit के sleep के कौन कौन से stages होते हैं और उनके कौन से stages में कौन सी चीजें होती हैं कौन से काम होते हैं right but sleep का main function is physical and mental restoration and that is the reason why we need sleep तो इसके ऊपर बहुत सारे सवाल आएंगे कि स्लीप के फर्दर स्टेजेस क्या होते हैं एंड हमें कितना सोना चाहिए क्या सुना है हमने व्हाट हैव वी हर्ड अबाउट हाउ मच वी नीड टू स्लीप अभी तक 7 to 8 या 6 to 8 hours एट आवर्स हाँ दिस इज द क्लासिक वी ऑल हैव हर्ड राइट या कोई और किसी के पास है क्या किसी ने कुछ वो 3-4 घंटे वाला कुछ ना कुछ बोला था या मोटिवेशनल स्पीकर्स बोलते हैं कि इतना एंड स्टफ या शाहरुख खान बोलता है मैं 4 घंटे ही सोता हूं ओके वी विल गेट देयर आई थिंक इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड अ लॉट ऑफ पीपल वांट टू नो द आइडियल टाइम ऑफ स्लीपिंग राइट जानना है ना सबको हमें वी विल कम देयर पर उससे पहले हमें थोड़ा स्लीप हैव हर्ड क्वालिटी स्लीप 4 hours इज आइडियल स्वरूप वी विल टॉक अबाउट इट लेट्स टॉक अबाउट डिफरेंट फेजेस ऑफ स्लीप
Now, before we get into the different phases of sleep, I want to kind of ask you, do you think sirf 8, 9, 10, 11, 12 ghante sona is good sleep? No. Then what is a good sleep? Where you go into your deep sleep. As I said, like when you go into your deep sleep, when you're not like, you know, when your body is actually doing the work, like, I have felt it before because I have been a very bad sleeper, to be very honest. Like, I could hardly sleep for like 2 hours, 3 hours at a stretch. Now I feel that when I go into sleep, I'm like, I have lost like completely, like you said, no, you go completely into a deep sleep when you don't even realize what's happening around you. So that in that state I go now. So I feel well rested. When I wake up, I'm fresh. I mean, I feel good about it. So, I mean, I can't really explain, like, you know, what happens in there, but I know that, you know, I just don't feel anything around me. I'm just sleeping. Awesome. Love it. So, a good sleep is something that ke sone ke baad the next day, you feel or you wake up fresh. You are not fatigued throughout the day. You feel like working. Agar tum 12 ghante sone ke baad, you are not feeling fresh or you don't feel like working, you are lethargic throughout the day. The last night, you didn't have a good sleep. But again, it's a very vague explanation of it. So let's get into the details of what is a good sleep. Hai na? Let's go ahead. So uske liye hame stages janne padenge. So we all go through a few numbers of sleep cycles every night. Sleep cycles. तो हमें स्लीप साइकिल के बारे में थोड़ा जानना है एंड दिस वाज माय पर्सनल फेवरेट सब्जेक्ट व्हेन आई वाज स्टडीइंग मेडिसिन ओके तो मुझे स्लीप के बारे में बड़ा इंटरेस्ट था तो जब मुझे ये पता चला था ना तो इतना लाइक इट वाज सच अ फुलफिलिंग फीलिंग कि ओ शिट ऐसा कुछ भी होता है रात को ऐसा तो लेट्स से तुम रात को अभी सोने गए हो और द फर्स्ट स्टेज इज N1 द स्टेज 1 ऑफ योर स्लीप ओके जहां पे तुम बस सोने की तैयारी कर रहे हो आंख बंद की है बट यू आर स्टिल अवेयर लाइक तुम्हें पता है अगर लिविंग रूम में टीवी चल रहा है तो तुम्हें पता है कि टीवी चल रहा है पंखे का थोड़ा थोड़ा आवाज आ रहा है अगर आई डोंट नो लाइक छोटी छोटी चीज लाइक वो क्रिकेट्स की आवाज आ रही है चे 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 तुम्हें लाइक यू आर अवेयर ऑफ द सराउंडिंग्स बट यू आर ट्राइंग टू फॉल अस्लीप सो इज द ट्रांजिशन बिटवीन यू बीइंग अवेक बट यू आर गोइंग इन टू स्लीप अभी अभी तुम सोए नहीं हो दरवाजे पे कोई आएगा डोरबेल बजेगा तो तुम उठ के जाओगे देख सकोगे एंड स्टफ सो दिस इज व्हाट इज हैपनिंग इन द फर्स्ट स्टेज ओके इट्स द फर्स्ट स्टेज अभी हम जब जाग रहे हैं ना तो आवर ब्रेन इज एक्टिव एंड व्हेन आई से आवर ब्रेन इज एक्टिव आवर ब्रेन इज मेड अप ऑफ सो मेनी टाइनी सेल्स और उन सेल्स को हम बोलते हैं न्यूरॉन्स है ना तो वो न्यूरॉन्स आर इलेक्ट्रिकल लाइक वो दे कम्युनिकेट विथ ईच अदर विथ इलेक्ट्रिसिटी तो इफ यू टेक एन एमआरआई और अ स्कैन ऑफ योर ब्रेन जब तुम जाग रहे हो तुम्हारे ब्रेन के न्यूरॉन्स आर फायरिंग अप थ्रू आउट दे आर कम्युनिकेटिंग विथ ईच अदर विथ ऑल द डेटा दैट वी आर सोकिंग इन हाउ डू वी कंज्यूम डेटा बाय द वे नॉट फोन वाला डेटा की बात नहीं कर रहा हूं हमारी बॉडी में सेंसरी ऑर्गन्स सो what we see, what we listen to, what we touch, what we smell, and what we taste, इससे हमारा सारा data अंदर जा रहा है तो वो data processing पूरा चल रहा है हमारे brain के अंदर और brain के neurons आर पूरे firing up, है ना तो जैसे ही हम वो transition में जाते हैं ना तो वो firing जो waves हैं ज्यादा fire चल रहा है तो ज्यादा waves हैं और धीरे धीरे वो waves का frequency कम होता जाता है तुम्हारे stage वन में Then you go into the stage 2, stage 3, and then stage 4. So there are total 4 stages. Like classification alag alag hai. Kuch log bolte hain ke sirf do parts hote hain sleep ke. And kuch log bolte hain 5 part hote hain. But for this study, we will be like, there are 4 stages. The first stage is N1, jahan pe tum transit kar rahe ho. Right? You're transiting. Fair. Now, transit ho gaya, ab tum... थोड़े थोड़े सोने की तैयारी चल रही है उसके बाद यू विल गेट इनटू थोड़ा सा डीप स्लीप जहां पे अभी भी हम डेप्थ में नहीं गए स्लीप के वी आर जस्ट गेटिंग अनकॉन्शियस हमारे शायद बॉडी ऑर्गन्स आर स्टिल फंक्शनिंग हम थोड़ी करवट वरवट ले लेंगे एंड ऑल बट वी आर कंप्लीटली नॉट आउट वी आर स्टिल फिजिकली थोड़ा थोड़ा मोबाइल
वहां पे भी किसी ने तुम्हें लाइक दो तीन डोरबेल बजा दी या किसी ने तुम्हें आके उठा दिया तो तुम जल्दी से खड़ा करके उठ सकते हो. बट दिस इज द स्टेज लाइक स्टेज टू एंड थ्री आर द स्टेजेस वेयर योर बॉडी गेट्स थ्रू फिजिकल रिस्टोरेशन. जो तुम्हारा रिपेयरिंग होता है ना फिजिकल, दैट्स वेयर इट हैपेंस. दीज आर द स्टेजेस ऑफ द स्लीप जहां पे तुम्हारा फिजिकल रिस्टोरेशन हो रहा है. एंड क्यों हो रहा है? क्योंकि ये स्टेज में तुम्हारा ग्रोथ हार्मोन इज एट इट्स पीक. ओके, दिस इज द स्टेज वेयर योर ग्रोथ हार्मोन इज एट इट्स पीक एंड अब तुम्हारा बॉडी वो फिजिकल रिस्टोरेशन कर रहा है. फेयर? अभी भी वेव्स थोड़े ऊपर हैं और दैट्स वेयर द ट्रांजिशन विल हैपन. एंड ये स्टेज है ना, ये जो पहले तीन स्टेज दे लास्ट द लॉन्गेस्ट. तुम्हारा हाफ ऑफ द नाइट गोज इन टू द फर्स्ट थ्री स्टेजेस. उसके बाद शुरू होता है तुम्हारा फोर्थ स्टेज विच इज द डीप, जहां पे तुम्हारा फिजिकल मोटर इज कंप्लीटली इमोबाइल. तुम ऑलमोस्ट पैरालाइज्ड हो. द ओनली थिंग इन योर बॉडी इज वर्किंग विच इज लाइक फिजिकली इज योर आईज एंड दे आर मूविंग वेरी फास्ट. सुना रहेगा तुम लोगों ने REM, सुना है REM? REM is nothing but eyes जो fast move कर रही है, उसका short form है rapid eye movement. So deep sleep में your eyes move really fast. That's why we call it rapid eye movement sleep. That's where your dreams happen. Okay, that's where your dreams happen. And that's where your mental restoration happens. So, जो तुम्हारी memory है, तुम्हारे जो पूरे दिन का जो भी data तुमने लिया है, वो पूरा processing, भाई कोई important चीज है तो important चीज को कहाँ पे रखना है, तुम्हारी अच्छी वाली memory है उसको कहाँ पे रखना है, वो सारी चीजें ये deep sleep में होती है. So, if you are going through some sort of mental health issue, stress या depression या something, or if you don't get a better like deep sleep, tumhara condition gets worse day by day because tumhara mental repairing jo hota hai, restoration jo hota hai, wo deep sleep mein hota hai. And we will talk about it ki kyun hamara deep sleep nahi hota hai in a second. But deep sleep is very very important. Yeah, see, dreams we cannot remember. Anudeep, non REM mein dreams aate hi nahi hai. REM में ड्रीम्स आते हैं. एंड सो इफ यू आर, अच्छा ये पॉइंट मैं बताऊं उससे पहले तुम लोग को एक और इंफॉर्मेशन जानना पड़ेगा, नहीं तो यू विल गेट वेरी कंफ्यूज. ना ये जो पूरा स्टेजेस का साइकिल है ना, 1, 2, 3 एंड REM. सो जो 1, 2, 3 है जिसमें रैपिड आई मूवमेंट नहीं होता उनको हम बोलते हैं नॉन REM, नॉन रैपिड आई मूवमेंट स्टेजेस. एंड जिसमें रैपिड आई मूवमेंट होता है उसको बोलते हैं REM बोलते हैं. तो NREM REM, सो ऐसी हमारी साइकिल होती है. सो NREM REM NREM REM, ऐसी हम 3 to 5 साइकिल्स से गुजरते हैं थ्रू आउट द नाइट. एंड वन साइकिल लास्ट फॉर अबाउट 90 मिनट्स. सो NREM में से REM, NREM में से REM, NREM में से REM, दैट 90 मिनट्स लगता है उसको. तो अगर, और ड्रीम्स कहां पे होते हैं? REM में. तो अगर तुम REM में ड्रीम देख रहे हो और तब भी किसी ने तुम्हें उठा दिया या उस टाइम पे तुम्हारा अलार्म बज गया, तो यू आर मोर लाइकली टू रिमेंबर योर ड्रीम. बट अगर तुम NREM में उठे हो तो तुम्हें तुम्हारा ड्रीम नहीं याद रहेगा. तो जो लोग बोलते हैं ना कि हमें सपना ही नहीं आता, इट्स मोर लाइकली कि तुम लोग NREM स्टेज में उठते हो तो तुम्हें पता ही नहीं कि तुमने सपना देखा था. Yeah, that's happening with me. Yeah. So a lot of people like बोलते हैं सर सपना, एंड कुछ लोग होते हैं जिनको विविडली याद रहता है, विविड के लाइक एग्जैक्टली. एंड देन पीपल एक्सपेरिमेंट विद. सी, दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक. आई विल गेट डिस्ट्रैक्टेड वेरी इजीली, सो प्लीज ब्रिंग मी बैक. या क्योंकि ड्रीम्स में से फिर हम लूसिड ड्रीमिंग में पहुंच जाएंगे. लूसिड ड्रीमिंग इज कंप्लीटली डिफरेंट वर्ल्ड. सो मैंने एक डॉक्टर सिद्धार्थ वॉरियर को मैंने सुना था एंड ही गेव दिस रियली गुड एनालॉजी अबाउट स्लीप के जब हम बीच पे जाते हैं तो हम बीच पे देखते हैं ना कि समुंदर है. एंड देन हमारे लिए टू
टू लाइफ्स है ना, एक समुद्र के ऊपर वाला लाइफ एंड दूसरा है समुद्र के नीचे वाला लाइफ. अभी समुद्र के नीचे वाला लाइफ जो पानी के नीचे क्या है हमें पता नहीं है, पर हमें पता है कि कुछ तो है. एंड ड्रीम्स एंड स्लीप इज लाइक दैट. जितना नीचे जाते जाएंगे उतना अलग ही अलग दुनिया है, अलग ही अलग दुनिया है. सो आज के सेशन में वी वोंट गो दैट डीप, वी विल स्टे ऑन द सर्फेस. प्लीज प्लीज ब्रिंग मी बैक. या ओके कूल. सो दीज वर द स्टेजेस. ओके, दो मेन दो स्टेजेस हैं ज्यादा कंफ्यूजन के बगैर. नॉन आरईएम, आरईएम. नॉन आरईएम ज्यादा टाइम लेता है, आरईएम कंपैरेटिवली कम टाइम लेता है 90 मिनट के साइकिल में. बट जैसे जैसे तुम ज्यादा साइकिल्स लेते जाओगे, सो लेट्स से तुम्हारे पहले साइकिल से दूसरे साइकिल का आरईएम थोड़ा ज्यादा होगा, दूसरे साइकिल से तीसरे साइकिल का आरईएम ज्यादा होगा, तीसरे से चौथे आरईएम ज्यादा होगा. सो इफ यू गेट मोर साइकिल्स इन, मोर आरईएम स्लीप इन, यू फील बेटर द नेक्स्ट डे, बिकॉज तुम्हारा रेस्टोरेशन का टाइम, मेंटल रेस्टोरेशन ज्यादा हो रहा है. So you won't feel that mentally fatigued if you're only getting lesser, like 3 cycles, let's say, compared to 5. So agar tum 5 sleep cycles le rahe ho total, to 5 sleep cycles ka kitna time lagega khatam karte? 7.5 hours? Around? Yeah. That's where the 6 to 8 hours wala jumla has come from. By the way, 6 to 8 hours wala research hai na, 1940s में हुआ था स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में. उसके बाद उस टॉपिक पे इतना रिसर्च नहीं हुआ, पर वो इतना बड़ा स्टडी था कि हमने उसको लैंडमार्क मान के चला हुआ है. ओके, तो जब हम बात करेंगे ना अभी कि हाउ मच स्लीप डू वी नीड, उसके बारे में हम वी विल टॉक अबाउट, व्हिच इज लाइक लिटरली अभी इसके बाद आएगा. लेट मी चेक द चैट इफ वी से यस. भूमिका, यू विल गेट द रिकॉर्डिंग, बट शी इज नॉट हियर. I want you to explain the term dog sleep or light sleeper, since I can be classified as light sleeper, and pros cons of any. Okay, Shweta, we will talk about it. So, jo, yeah, end mein, please mujhe yaad dilana. So let's talk about how much sleep do we need. How much sleep do we need? Fair. Abhi hai na, yahan pe ek concept aata hai jiska naam hai chronotype. How much sleep do we need? It depends. Individually, सबके लिए सबका क्रोनोटाइप इज अलग. स्लीप क्रोनोटाइप बोलते हैं उसको. हाउ टू फाइंड आउट के हमारा स्लीप क्रोनोटाइप क्या है, उसके लिए एक हैक है, मैं बताता हूं. बट आइडियली कितना होना चाहिए? 3 to 5 साइकिल्स. सो जो लोग बोलते हैं कि हम 4.5-5 घंटे में भी खुश हैं, इट्स प्रैक्टिकली पॉसिबल, बिकॉज तुम 3 स्लीप साइकिल से भी अच्छा काम चला सकते हो अगर तुम्हारा क्रोनोटाइप वहां पे मैच कर रहा है तो. कुछ लोगों का क्रोनोटाइप वुड रिक्वायर 5 साइकिल्स, दैट्स ओके टू. सो इट्स नॉट अ गोल्डन वर्ड कि भाई 6 to 8 घंटा ही चाहिए. कोई 4.5 घंटे में भी चला सकता है, कोई 7.5 घंटे में भी चला सकता है. एंड 5 घंटा या 8 घंटा इसलिए होता है बिकॉज वी नीड 15-20 मिनट्स टू प्रिपेयर आवरसेल्फ टू गो टू बेड और वेक अप फॉर दैट मैटर. हम ऐसे ही बेड पे जाते सो नहीं जाते. कुछ लोग होते हैं लकी, कुछ लोग होते हैं, बट ऑन एन एवरेज वी ऑल नीड 10-15 मिनट्स. सो ऑन एन एवरेज हमें 6 to 8 घंटा उन्होंने बोला हुआ, बट दिस इज हाउ द कैलकुलेशंस आर डन. यू नीड एटलीस्ट 3 to 5 स्लीप साइकल्स पर नाइट, एंड इट विल डिपेंड अपन योर क्रोनोटाइप एंड हाउ टू फाइंड दैट क्रोनोटाइप. इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग ट्रिक. इट्स वेरी सिंपल दो. इसमें थोड़ा रिस्क भी इन्वॉल्व है, एंड रिस्क कोई हेल्थ रिस्क इन्वॉल्व नहीं है, काम पे लेट पहुंचने का रिस्क इन्वॉल्व है. तो अभी इज देयर एनीवन हु स्लीप्स विदाउट एन अलार्म? एंड ओके, सो डू यू वेक अप विदाउट लाइक विदाउट एन अलार्म एट अ स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम? या दैट्स व्हाट यू आर गोना डू. सो अगर तुम्हें फाइंड आउट करना है कि तुम्हें कितने घंटे का नींद चाहिए, यू स्लीप एट अ वेरी स्पेसिफिक टाइम एट नाइट, डू नॉट सेट एन अलार्म, एंड सी व्हाट टाइम योर बॉडी वेक्स यू अप इन द मॉर्निंग अपने आप. नाउ यहां पे थोड़ा सा ना लोग फिशी खेलते हैं मेरे साथ. सर फिर हमें तो उठने का मन ही नहीं करता. उठने का मन नहीं करना इज अ डिफरेंट थिंग. योर बॉडी विल वेक यू अप अपने आप सुबह. फिर बार बहुत ठंडी है, मेरे को अभी कुछ काम नहीं है, कंबल में अच्छा लग रहा है, ये सारे बहानों से वापस से तुम सो जाओगे, दैट्स अ डिफरेंट थिंग. आई एम ट्राइंग टू हेल्प यू विद द एग्जैक्ट टाइम कि तुम्हें कितने बजे तुम्हारा बॉडी अपने आप उठाता है.
तुम्हारा बॉडी जितने बजे सुबह तुम्हें उठाता है, दैट इज योर सर्कैडियन रिदम, दैट्स योर बॉडी क्लॉक टेलिंग यू और आस्किंग यू टू वेक अप. एंड इफ यू फॉलो दैट, बैंग ऑन, दैट्स योर क्रोनोटाइप. इट वुड बी 4 hours 30 minutes, it could be 5 hours, it could be 5:30. Individual. I have a question also. Yes. So your body tells you too that when it's time to sleep, it starts giving you signals. Are you asking me or? Yeah, I'm asking you. No, it doesn't. No. Okay. बट इसके लिए जो हम जब हम हाउ टू ऑप्टिमाइज योर स्लीप के बारे में बात करेंगे ना, तब दिस इज वन ऑफ द हैक्स दैट वंस यू स्टार्ट सेटिंग अप अ स्लीप रूटीन देन योर बॉडी विल स्टार्ट गिविंग यू सिग्नल्स. या ओके. या बिकॉज द रीजन आई आस्क्ड वाज बिकॉज बाय द टाइम द लाइक इट सेड राइट यू नो आई एम ट्राइंग टू स्लीप एट द सेम टाइम वेक एंड माय बॉडी इज वेकिंग अप एट द सेम एग्जैक्ट टाइम इवन दो अगर मेरा कभी ऐसा होता है ना हाफ एन आवर अगर लेट भी हो गया आई एम स्टिल वेकिंग अप द सेम टाइम इन द मॉर्निंग बट माय बॉडी हैज स्टार्टेड गिविंग मी सिग्नल्स एंड आई एम टायर्ड आई वांट टू गो अपस्टेयर्स मुझे बस थकान लग रही होती है एंड देन आई एम लाइक यू नो डूड आई एम डन बस जो भी चल रहा है जस्ट गो अप सो दैट इज द रीजन आई वाज आस्किंग वंस यू स्टार्ट गेटिंग इनटू दैट रिदम दैट डज योर बॉडी स्टार्ट गिविंग यू सिग्नल्स. यस इट डज वंस यू गेट एंड दैट्स सो इंटरेस्टिंग जो आप बता रहे हो ना पैटर्न. So your body gets into a pattern. Usko hum bolte plasticity. And that plasticity happens in your deep sleep as well. So jo tum koi bhi habit naya, ye sleep ka to ek chota sa habit hua na. Let's say you want to create a habit of working out every day. So tum jo aaj workout kiya, kal workout kiya, teesre din workout kiya, uska habit mein imprint karne ka jo kaam hai na, wo bhi tumhara deep sleep mein hota hai. So tum bol rahe ho ki main 21 din ka challenge karungi no sugar. नो शुगर चैलेंज शुरू किया 4 दिन 5 दिन 6 दिन 7 दिन चलो 20 दिन भी शुरू कर लिया पर तुम्हारी नींद मेस्ड अप है ना तुम डीप स्लीप नहीं ले रहे हो तो वो हैबिट में कन्वर्ट नहीं होगा बिकॉज वो प्लास्टिसिटी जो हैबिट इज अ रिजल्ट ऑफ प्लास्टिसिटी एंड प्लास्टिसिटी इज योर न्यूरल कनेक्शंस हैपनिंग इन योर ब्रेन कि वो एक पैटर्न क्रिएट हो रहा है वो पैटर्न जो क्रिएट होने का प्रोसेस है ना वो भी डीप स्लीप में होता है. सो इफ यू आर ट्राइंग टू बिल्ड अ न्यू हैबिट उसके लिए भी तुम्हारा डीप स्लीप इज वेरी नेसेसरी. Oh, Umesh, just one thing over here. Yes, as you said, there is no signal provided. I mean, so we do, you know, the concept of yawning. So, you know, there's a general thing that when you yawn, so it's kind of said that, you know, it gives a signal that maybe you're feeling sleepy or you need sleep. So, so what's the signs of, you know, yawning and sleep? Is there any actual connection between yawning and sleeping? You know, to sleep and yawn. I haven't found a connection there. But yawning is transient lack of oxygen to your brain. Okay. Yeah. So that's what it triggers. But I have, I may ask someone else, like, is there anyone who knows a connection between yawning and sleep? Pankhuri or Smart, anyone? No connection. So I think it's just intermittent, you know, lesser percentage of oxygen than what's required. That's why we feel lazy and all, we feel dizzy. And that's what we compensate by, you know, yawning. Okay. But I will do some research and tell you. Aaj hai na, aaj subah subah, by the way, someone sent me a really interesting video. It was by Dr. Mike. He's one of the most popular doctors on Instagram. I don't know if you have heard of him. Yeah. डॉक्टर माइक के नाम से ही जाना जाता है. ही इज अराउंड 3.5 मिलियन फॉलोअर्स एंड समथिंग. तो उसका वीडियो देखा एंड इट वाज अ रियली इंटरेस्टिंग वीडियो बिकॉज़ आई वाज जेन्युइनली फीलिंग थोड़ा सा नर्वस अबाउट टुडेज सेशन एंड आई विल टेल यू व्हाई बिकॉज़ आई एम नॉट अ न्यूरोसाइंटिस्ट आई एम नॉट अ न्यूरोफिजिशियन लेट अलोन आई एम नॉट एन एमबीबीएस डॉक्टर ईदर दिस इज माय पर्सनल इंटरेस्ट दैट इज वेलनेस. And that's why I do researches on so many different things and I read a lot. So, mujhe sleep ke baare mein session karna tha, but sleep is a vast topic. And I was like, Umesh, you wouldn't know everything about sleep. So what if a question comes and you don't know the answer? And that particular video was about that. Being a doctor, you don't have to know everything. And it's okay to say, I don't know. And that's where I was like, okay, that's fine. I don't know, but I can do a research for you and I'll explain. Definitely. So there are some answers right here. O2 की कमी होती है इसलिए body signals देता है कि resting stage में चले जाओ.
That could be the connection. तो हमें नींद आने लगती है, मन करता है कि सो जाए. Fair. Thank you, Ruthvi. All right. So let's come back to the stages and importance of sleep. Fair. मेरा main काम fitness का है, weight loss, weight management, muscle building and stuff. So do we know how it affects, how sleep affects all those things? If you don't sleep well, you don't recover well, and then you don't perform well. That's what I feel. That's one very superficial, easy to pick. It's a low-hanging fruit. Yeah, you can easily pick it. Yes, you don't sleep well, you don't recover well, and you can't perform well. That's one. Is the secretion of growth hormone, which happens in sleep and which helps in recovery and 100%. Muscle building a lot. 100%. So human growth hormone, it is responsible for your muscle building and it is responsible for your fat utilization. So, जो fat loss करने की हम try कर रहे हैं, उसको utilize करने की try कर रहे हैं, उसके लिए human growth hormone जरूरी है. And that gets secreted in the first 4 hours of sleep. Okay. ना? So, you need proper sleep right there. Okay. Now, ये चलो superficial, हमने थोड़ा highlight भी ले लिया था इसका. Let's talk about दूसरे कुछ चीजें. Let's talk about what if you are not getting enough sleep. What happens there? When you don't get enough sleep, बता. It affects your health. Like I know that if you don't sleep well, आपकी immunity भी दलती है. Like your, it affects your immune. Yes. Because you fall sick more often. Mm-hmm. I mean, this is my personal experience. That's what I can share. So. And then आपका memory fog भी होने लगता है, because obviously when you don't sleep well, you tend to forget things, as you've already mentioned. Yes. And then overall performance, मतलब in I'm saying daily, जो daily काम करते हो उसमें आपको अपने आप ही कुछ ना कुछ दिखेगा, and it affects your mood also. Like if you're sleep deprived, you'll be irritable. Like I am one of those people. If I do not have like enough sleep, the next day is like my next day is screwed up for sure. I feel it's a cumulative effect also sometimes. Like, if for example, in 2-3 days you're not sleeping well, you're sleeping less. Okay. So maybe you carry on with the mood and the energy, and then on the 4th day, you know, all the cumulative stuff happens. Happens. Okay. You know, yeah. Does. I've heard like your REM also carry forward or something. Like, I don't know if it's true or not. But aapki neend puri na ho, your body tries to. आपका वो REM कंप्लीट नहीं होता, समथिंग आई डोंट नो, इवन आई फॉरगॉट, हिसाब किताब बाकी रखता है. एंड दैट्स वेयर हम बहुत दिनों से, सो लेट्स से ये आपने देखा होगा कि 4-5 दिन अच्छे से नींद नहीं हुई है ना, तो वीकेंड पे यू गो क्रेजी, लाइक 10-12 घंटे यू ट्राई टू कैच अप. हम बोलते हैं आई एम कैचिंग अप विद माय स्लीप, दैट्स अ रियल थिंग एज वेल. तो तुम्हारी अगर डीप स्लीप सही से नहीं हुई है, तो अ लॉट ऑफ पीपल डू इट इंटेंशनली, जिनका वर्क शेड्यूल बहुत ऊपर नीचे होता है ना, तो वीकेंड पूरा स्लीप इन करते हैं, जस्ट टू कैच अप विद दैट. बट इज दैट अ गुड प्रैक्टिस? लाइक दैट्स व्हाट इट्स नॉट एन आइडियल, इट्स नॉट एन आइडियल प्रैक्टिस, बट इट्स बेटर देन नॉट गेटिंग इट एट ऑल, गेटिंग स्लीप एट ऑल. ओके. सो अगर हम स्लीप के बारे में बात करने जाने, तो स्लीप डेप्रिवेशन अफेक्ट्स एवरीथिंग इन योर सिस्टम, क्योंकि तुम्हारी बॉडी का फिजिकल एंड मेंटल बोथ द रेस्टोरेशंस आर हैपनिंग व्हाइल स्लीपिंग. तो अगर तुम सही से नहीं कर रहे हो, तो सारी सिस्टम्स अफेक्ट होंगी. डाइजेशन होगा तुम्हारा, मेरे को बहुत सारे अभी रिप्लाई आए हुए हैं नीचे, ब्लड शुगर, ब्लड प्रेशर, एवरीथिंग गेट्स अफेक्टेड. लेट्स टॉक अबाउट इंडिविजुअल मोटर एक्टिविटीज, ऑफकोर्स लेट्स टॉक अबाउट स्पेसिफिक थिंग्स विच कैन अफेक्ट योर वेट मैनेजमेंट. तो हमने पिछले सेशन में, कुछ सेशंस में वी स्पोक अबाउट यू नो लेप्टिन एंड ग्रेलिन. ग्रेलिन, या. सो लेप्टिन इज द सैटिएटी हार्मोन. इफ यू आर स्लीप डिप्राइव्ड, योर लेप्टिन गेट सप्रेस्ड. लेप्टिन के लेवल्स 50% से कम हो जाता है. सो तुम्हारा सैटिएटी 55% टू बी वेरी स्पेसिफिक कम हो जाता है इफ यू डोंट गेट इनफ स्लीप. And abhi bhi, when I'm saying enough sleep, I'm not talking about hours. I'm still talking about the quality. We will talk about the quality in a second. So, leptin ka quantity kam hoga na, to tumhara satiety nahi hoga. Satiety nahi hoga,
तो जिस जब भी नींद सही से नहीं होती है ना, दूसरे दिन तुम्हारा क्रेविंग बढ़ जाता है. यू एंड अप ईटिंग मोर एंड इट्स सो इट्स सच अ एविडेंट थिंग. इसको ज्यादा हमें डिटेलिंग में जाने की जरूरत, इट्स सच एन एविडेंट थिंग. आई हैव सीन इट सो मच. जब भी तुम नींद सही से नहीं लेते हो, दूसरे दिन तुम्हारा क्रेविंग बढ़ जाता है. दैट इज बिकॉज ऑफ लेप्टिन. स्लीप डेप्रिवेशन इंक्रीजेज योर कॉर्टिजोल लेवल्स क्रॉनिकली. तुम सही से नींद नहीं ले रहे हो, तुम्हारा कॉर्टिजोल इज थ्रू आउट ऊपर ना. कॉर्टिजोल इज अ स्ट्रेस हॉर्मोन. तुम स्ट्रेस में नहीं हो पर तुम्हारी बॉडी को थ्रू आउट लग रहा है कि तुम स्ट्रेस्ड हो, जस्ट बिकॉज तुमने सही से नींद नहीं ली. इंटरेस्टिंग ना? Yeah. And that is straight connected with your weight loss. Cortisol and leptin, they both are connected with your belly fat, if you say so, or just overall fat. I've been reading so many researches now. Like, अभी मैं बोलूँगा ना तो you'll be like, it's a far-fetched connection, but there is a connection, and it's so interesting. It is so freaking interesting. So let me tell you a really good trivia. Yeah. So melatonin के बारे में सुना है तुम लोगों ने? So melatonin is a hormone that helps you sleep. Yeah. ठीक है. Melatonin is a hormone that helps you sleep. जिन लोगों को sleep problem होता है वो melatonin supplements लेता है ना? So melatonin क्या करता है, वो आपको अगर आपकी बॉडी में वो नॉर्मली तुम्हारे ब्रेन में पिनियल बॉडी करके एक जगह है, वहां से वो रिलीज होता है. तो वहां से वो रिलीज होगा ना तो वो आपको आपकी सारी स्लीप साइकिल से अच्छे से लेके जाएगा. बट ये जो मेलेटोनिन रिलीज है ना, दैट गेट्स अफेक्टेड बाय सो मेनी थिंग्स. हमारी आंखों के ऊपर फोटो रिसेप्टर्स है जो लाइट को रिसीव करते हैं, राइट? सो देर आर स्पेसिफिक टाइप्स ऑफ लाइट्स जो मेलेटोनिन को सप्रेस कर देते हैं. तो सबने सुना है ना ब्लू लाइट फिल्टर. अभी तो बहुत सारे फोन पे, आईफोन्स में तो आ चुका है नाइट शिफ्ट. सो इफ यू आर एन आईफोन यूजर, उसमें ब्लू लाइट फिल्टर होता है. एंड्रॉइड में भी बहुत सारे फोन्स में आ गया. नहीं है तो यू कैन डाउनलोड इट ऑन योर फोन, यू कैन डाउनलोड इट फॉर योर लैपटॉप और व्हाटएवर. बट द थिंग इज, हमारी स्क्रीन में जो लाइट्स का स्पेक्ट्रम है, उसमें जो ब्लू लाइट तुम्हारे आंखों पे जाएगा, वो मेलेटोन आंखों के जो फोटो रिसेप्टर्स हैं उनको करेगा, वो सीधा जाएगा जहां पे मेलेटोनिन रिलीज हो रहा है, मेलेटोनिन को सप्रेस करेगा, और तुम्हारा जो स्लीप साइकिल है इज जस्ट मेस्ड अप. नाउ तुम बोलोगे कि हम रात को कुछ देखते देखते हम सो जाते हैं, है ना? तो वो नींद क्या है? लाइक दैट मीन्स क्लियरली वो लाइट हमें अफेक्ट नहीं कर रही है. दैट्स वेयर द डिफरेंस बिटवीन क्वालिटी एंड क्वांटिटी कम्स इन. यू जस्ट लाइंग डाउन अनकॉन्शियस डजंट मीन यू आर स्लीपिंग. Yeah. For good quality deep sleep, you need normal levels of melatonin naturally. वहाँ पे जो release हो रहे हैं वो वाले, जो तुम्हें सारी cycles में से non REM की तीन और then deep में से लेके जाएं normally. But वो जो blue light का thing है, that is affecting your melatonin. तो तुम्हारा पूरा sleep cycle खत्म ही नहीं हो रहा है. तुम पहले ही या दूसरे stage में ही घूम रहे हो तुम्हारे sleep के. You're not going into even N3 and deep. That is what. So the interesting trivia is, ये जो photo receptors की हम बात कर रहे थे ना, ये photo receptors अभी एक doctor है, Dr. Philip Light, उन्होंने research किया था कुछ सालों पहले, and they कुछ सालों भी नहीं, like literally a couple of years back, if I'm not wrong. And this is very initial stages of studying. But those photo receptors are found on our fat cells as well. And you'll be like, why it is so far-fetched? Far-fetched ko samajhne ke liye, we will have to understand the circadian rhythm. So we are coming back to the basics now. Kisi ko pata hai what is circadian rhythm? Your biological clock. But what is it? Yeah, it's a biological clock. But what is it? What do we mean by circadian rhythm? And why is everyone gone? Like, why the cameras are off? Naya, mere liye bhi chai bana dena, please, agar bana rahe ho aap to. Nahin bana rahe ho, okay, thank you.
उमेश चाय पे एक सवाल है. यस. I mean, the thing is, you talk about stimulants and sleep. I mean, for example, if you want to work late night, okay. Yes. So, बोलते हैं ना, you have a tea, a cup of tea or coffee, and you know, you not feel that sleepy. Yeah. Yes. How true is it actually? I mean, like for example, it is true because sleep के लिए है ना, there are two chemicals are at work, melatonin and दूसरा है adenosine. Now, adenosine is a chemical which is related to your wakefulness. So, तुम जगे हुए होते हो, तो तुम्हें जगाने का काम है adenosine का. It's a chemical. तो जब तुम caffeine पीते हो, कोई भी form में, चाय, coffee या कोई भी green tea में भी caffeine होता है. So, what it does is it suppresses adenosine. तो तुम्हें नींद नहीं है. You feel awake basically after that. So yeah, it has an effect on it. एक मिनट हाँ, काजल आपकी आवाज क्यों? Yes. मैंने experience किया है चाय पीने के बाद नींद आना. I can't hear you properly, काजल. वापस से बोलो. चाय के बाद? अरे जस्ट चाय पीने ओके. I think she is saying कि चाय पीने के बाद भी नींद आती है. I think that's what I'm inferring. Maybe she is saying चाय पीने के बाद भी नींद आती है. Okay. नींद आती है. I think she is saying that. I have no explanation to that. To be very honest, it could be because of some other reasons. I mean, I tried it like through my 3 years of study, and daily I used to take a tea, cup of tea, and then sleep properly. Wow. I know a few people जिनको कॉफी कभी असर ही नहीं करता. They are like coffee पीने के बाद मुझे और नींद आती है. And I think it's about adaptation also. Neural adaptation. Yes, it's a neural adaptation. Yeah. That was the remotest explanation that I had. के जब तुम्हारे nervous system को इतना stimulant से like इतने attack हो चुका है stimulation से कि अब वो stimulant काम नहीं करता. So you have been so addictive, like you have been using. I was at a stage. So, अब मैं क्या करता? I'm such a big coffee lover. मेरे को सुबह उठते ही कॉफी चाहिए होता था. But अब I don't drink coffee like after 3 hours. Like मैं उठने के बाद 3 घंटे तक कॉफी जैसा कुछ नहीं लेता हूँ. I just have water and then get on with my work. And I 1 month मैं बीच-बीच में कॉफी से completely दूर चला जाता हूँ. So that my brain still enjoys that stimulation. मेरे को ऐसे ही सिर्फ नहीं पीना है. I really want to enjoy coffee as well at the same time. So that happens too. Okay, हम कहाँ पे थे? कहाँ पे थे? Circadian rhythm, please. कौन? हमारे पास 15 minutes और हैं बाद में. I have to talk to you about good sleep hygiene in those 15 minutes. But पहले हमें circadian rhythm जानना पड़ेगा. Okay, circadian rhythm is हमारे बॉडी में एक नेचुरल क्लॉक है विच इज कनेक्टेड विद द नेचर, है ना. तो बल्ब का डिस्कवरी किसने किया था? अल्वा एडिसन, राइट? थॉमस भाई साहब. सो थॉमस भाई साहब ने जब से बल्ब ढूंढा है तब से हमारी स्लीप, सो उसने बल्ब तो ढूंढा है पर हमारी स्लीप साइकिल की वाट लगाने का काम भी उन्होंने किया हुआ है. बिकॉज उससे पहले जब तक हमारे पास लाइट नहीं था, क्या आर्टिफिशियल लाइट, तब तक हमारे लिए लाइट वॉज द सनलाइट, है ना. द नेचुरल लाइट वॉज द मेन सोर्स ऑफ लाइट. तो हमारा बॉडी स्टक विद दैट. जैसे ही सनराइज होगा लाइट हमारी आंखों पे पड़ेगा, अंदर जाएगा, मेलेटोनिन सप्रेस होगा, तो हम जगेंगे. सो आवर ब्रेन एवोल्यूशनरी कनेक्ट्स लाइट्स विद वेकिंग अप. Especially the blue lights जो वो स्पेक्ट्रम में से आ रही है, सन में से, है ना. तो जैसे ही वो गया तो तुम्हारी बॉडी उठ गई. That's where your cortisol level goes up and your blood pressure slightly goes up in the morning to kickstart the mechanism. रात को सोए पड़े तो हमारे पूरी बॉडी को ब्लड की जरूरत नहीं है, है ना. पर जैसे ही हम उठ रहे हैं तो एक पंप होता है शुरू, एंड तब ट्रांजिएंट ब्लड प्रेशर ऊपर जाता है, कॉर्टिजोल ऊपर जाता है, एंड दैट्स व्हाई यू वेक अप. तुम उठते हो, सनलाइट आया,
पूरा दिन चला, जैसे ही अंधेरा होता जाएगा, लाइट कम होता जाएगा, मेलाटोनिन वापस से आता जाएगा, एंड देन यू स्टार्ट गेटिंग फीलिंग स्लीपी. थोड़ा 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 अंधेरा इज रिलेटेड टू स्लीप. सो योर इवोल्यूशनरी योर ब्रेन कनेक्ट्स डार्कनेस विथ स्लीप एंड लाइट विथ वेकिंग अप. आर यू ऑल विथ मी? एंड दिस इज द नेचुरल साइकिल, इसको हम बोलते हैं सर्कैडियन रिदम. और ये रिदम अभी बहुत सारी चीजों की वजह से मेसअप हुआ है, जिसकी वजह से हमारा स्लीप डेप्थ पे नहीं जाता. रिदम मिस क्यों हो रहा है? बिकॉज मेलाटोनिन इज रिक्वायर्ड फॉर योर नॉर्मल स्टेजेस ऑफ द स्लीप, बट मेलाटोनिन इज गेटिंग सप्रेस्ड बाय सो मेनी थिंग्स. पहले सनलाइट गया मींस डार्क होने लगा, मींस मेलाटोनिन अपने आप नेचुरली आने लगा. अभी हम कॉन्स्टेंटली एक्सपोज है लाइट से. अभी मेरे यहाँ पे ट्यूबलाइट भी चल रहा है और सामने रिंग लाइट भी चल रहा है और ये लैपटॉप का लाइट भी आ रहा है. We are constantly exposed to the lights. उसके बाद टीवी चल रहा होगा, रात को हम फोन देख रहे हैं, so everything we are exposed to too much of light. We are not getting that, and that's what is messing. The circadian rhythm mess up हो रहा है, उसकी वजह से हमारा sleep mess up हो रहा है, उसकी वजह से बहुत सारी चीजें affect हो रही है जो sleep का normal काम है. Solution के बारे में हम बात करेंगे अभी. So let's talk solution. So this is the circadian rhythm का scene. What we spoke about so far is what is sleep, what are the stages of sleep, what are the functions of sleep, what is a circadian rhythm, how it affects your weight loss and weight gain and stuff. Now, what is, or we also spoke about how much sleep do we need. So, abhi tak sabko sab pata chal raha na, jo bhi baat chal rahi hai abhi tak. Yeah? Now, let's talk about how to get into good sleep hygiene. Fair? So, some simple hacks. Sabse pehle, research based hacks. There is a reason yes, Hasi, power nap is a really good thing for health. You can. Agar, but power nap ka zarurat tab hota hai jab tum raat ko sahi se neend nahi le rahe ho. Na? So I always compare power nap with wo ek hota na quick reset and ek hota hai power like full reset. तो हम हमारे फोन को एक क्विक रीसेट देते हैं, एक होता है फैक्ट्री रीसेट. तो जो तुम्हारा रात को जो प्रॉपर नींद हो रहा है, दैट्स योर फुल फैक्ट्री रीसेट कर रहे हो तुम तुम्हारे मशीन को. एंड जो तुम पावर नैप ले रहे हो, इट्स अ क्विक रीसेट. जो हमारे जरूरी जो फंक्शन है वो रीसेट होके तुम वापस से उठ के तुम तुम्हारे काम पे लग रहे हो. 15-20 मिनट का पावर नैप बोलते हैं. 15 मिनट इज आइडियल, बट दैट्स अगेन अ लॉन्ग टॉपिक. व्हाई 15 मिनट्स? All right, so what I was trying to say is practice. There is a reason why I personally have started. Like, main evening mein jaane ka workout karne ki try ki, but I couldn't. Then I dived more into it. Morning workouts are really good because of so many reasons. And one of the reasons is loads and loads of researchers have shown that ki earlier, tum subah subah, jab uthe ho tab workout kar rahe ho, that helps you get a better deep sleep at night. Because closer to your sleeping hours you work out, you are pushing your deep cycle away. Yes. So I have a question. Somebody who's doing intermittent fasting and somebody is trying to gain muscle, then I remember the last I was attending your session for intermittent fasting, and you said, somebody who wants to gain muscle should be working out in fed state rather doing in like during the fasted state, right? But then it would not work out for me if I say that, because if I'm trying to gain muscle, so I prefer doing it in the evening. Yeah, but so, you can work out earlier half of the day, no? I'm just saying a research. No, I'm just saying theoretically we can. That's what I'm saying. So these are the ideal scenarios we are talking about. Okay. So the ideal thing. So for someone who is finding difficult to sleep, just add in. I'm not asking you for 1 hour of workout. I'm just asking 5 minutes. Kabhi tum high intensity workout subah subah dal do. Do a high intensity kya bolte sprint ya Tabata ya 5-10 minutes of workout early morning, the first thing in the morning. That can help you sleep better at night. Okay. Sir?
Yes, Roshan. सर मैंने डॉक्टर से पूछा था तो अगर आपको मसल बढ़ाना है लाइक यू हैव टू बिल्ड अ बॉडी तो आइडियली आप रात को वर्कआउट करो बिकॉज आप वर्कआउट कर रहे हो एंड देन यू गो टू स्लीप तो मसल रिकवरी में ज्यादा हेल्प होगी एंड इफ योर टारगेट इज वेट लॉस एंड फैट लॉस तो आप मॉर्निंग में करो लाइक मॉर्निंग में करो एंड देन पूरा दिन भी तुम कुछ ना कुछ करने ही वाले हो नहीं इट डजंट सी रात को वर्कआउट डजंट मेक सेंस ऑन सो मेनी डिफरेंट लेवल्स बिकॉज़ व्हेन यू आर वर्किंग आउट इंटेंसली योर एंडोर्फिन्स आर ऑल ओवर द प्लेस एंड दैट विल नॉट लेट यू स्लीप अगेन इट्स नॉट लाइक कि तुमने वर्कआउट किया और तुम थक जाओगे और सो जाओगे इट्स अ डिफरेंट थिंग सो तुम 5-7 घंटे वॉक करके आए हो तो योर बॉडी विल बी टायर्ड बट देन हैव यू फेल्ट दैट कि तुम इतने थक जाते हो कभी कभार कि तुम सो नहीं पाते सो थोड़ा सा इंटेंसिटी इज नीडेड फॉर योर स्लीप सिस्टम टू किक इन बट टू मच ऑफ स्टिमुलेशन ऑफ दैट स्लीप सिस्टम कैन पुश यू अवे फ्रॉम द स्लीप तो रात को सोने से पहले वर्कआउट इज नॉट एन आइडियल सिनेरियो नो 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 एकदम नहीं लाइक इवनिंग लाइक 6-7 o'clock अगर आप वर्कआउट कर रहे हो एंड देन यू स्लीप एट ऑब्वियसली 11-12 जैसा होता है फॉर जिनको मसल बनाने हैं जिनको बॉडी बिल्डिंग करनी है Does it work that way? It won't harm them either because you are you are giving it a gap as well. But ideal would be to और ये जो बात हम जो कर रहे हैं ना वो उन लोगों के लिए जिनको सोने में दिक्कत हो रही है they are not finding it to get a deep sleep. So if they are not working out, they should start working out first thing in the morning. Second. If you are finding it difficult to get enough sleep or deep sleep, or if you are still finding it, you know, dusre din bahut lethargy or tiredness feel ho raha even after sleeping a few hours, I would suggest that could be because of lack of deep sleep and uske liye temptations remove karne padenge room mein se. Jaise hum sab like ladko ka gaming zone hota hai, ya mera me time ek room hai, jahan pe to I think you all have to start building a sleeping room. So your bedroom should only for sleep and sex. That's about it. Baki aur koi cheez ke liye nahin. TV bhi nahin ho. Ideally mobile phone bhi na ho. What it is doing is the clear light connection. Light jayega. Tumhara melatonin suppress hoga. Tum sleep cycles ke through nahin jaoge. Tumhe neend aa jayegi. You will be sleeping, but you won't be going through the sleep cycles. So remove the temptations. Yeah. Just a second, huh? Remove the, but it is difficult one to do, na? How to remove phones who can remove phones from their bedrooms so Neha does I do it like I've been practicing it trying very hard not to look at my phone and it's been working very pretty well that's what I realized like over the period of like I have made this I told you like I've made certain goal in life like ye choti choti cheeze mujhe change karni and maybe I mean I don't know abhi to chal raha hai acha khasa Okay, so some people are saying silent mode is the best thing, flight mode is the second best thing. So, okay, agar ho sakta hai, this is the hack again, ho sakta hai, to sone se aadha ghanta pehle remove the temptation. I'm not saying 3-4 ghante pehle, sirf aadha ghanta pehle. Just phone, TV, VV, light, white, sabko hata do wahan se. Half an hour before the sleep. If you even cannot do that, लैपटॉप यूज करते हो तो लैपटॉप पे कोई ऐप डाउनलोड करो जो ग्रीन लाइट जो ब्लू लाइट है उसको फिल्टर करती है ब्रिंग अ फिल्टर ग्लास डाउनलोड एन ऐप फॉर योर फोन डू दैट इफ यू कैन नॉट डू दैट भावेश बोल रहा है बुक पढ़ लो इट्स कंप्लीटली ओके बट ट्राई अवॉइडिंग द स्टिमुलेंट्स बेसिकली स्टिमुलेंट से बात आई कि हो सके तो आफ्टरनून के बाद Now, you will be like, coffee or chai, mereko asar nahi karta. Yes, I would. I know. It doesn't. But caffeine, afternoon ke baad, avoid karna shuru karo. It's gonna be the best thing.
तुम्हें नींद आ जाएगी अगेन, कैफीन पियोगे नींद आ जाएगी. आई एम सेइंग तुम डीप स्लीप में नहीं जाओगे. सो आफ्टरनून के बाद कैफीन डालना बंद करो. दैट वुड बी एन अमेजिंग थिंग एंड दैट वुड हेल्प यू फ्रिकिंग. ये मैं कुछ चीजें मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ. सो स्लीप और एक्सरसाइज इन द मॉर्निंग अमेजिंग. मैं बच्चों की तरह सोता हूँ रात को एंड इट मेक्स मी फील सो गुड द नेक्स्ट डे. कैफीन अगेन, आई एम अ ह्यूज कॉफी लवर. लाइक यू हैव नो आइडिया, मेरा इतना बड़ा डब्बा अलग अलग कॉफियों से भरा पड़ा है एंड माई मॉम गेट्स नट्स. लाइक क्या करता है तू, इतना तो क्या करेगा तू कॉफी. बट इट इज व्हाट इट इज. आई लव कॉफी बट यू हैव टू काइंड ऑफ बी इन कंट्रोल ऑफ इट. सो दीज आर सिंपल टिप्स. एक्सरसाइज इन मॉर्निंग, कैफीन अवॉइड करो, लाइट्स को हटाओ. ये भावेश डार्क सर्कल का बहुत, द साइंस इज लैक ऑफ स्लीप, ऑफ कोर्स स्ट्रेस इज देयर एंड देन न्यूट्रिशन भी आ जाता है उसमें, स्किन का प्रॉब्लम भी आ जाता है. ओके, डज एक्सपोजर टू रेड लाइट हेल्प मेलाटोनिन लेवल्स इन स्लीप? आई हैवंट हर्ड आकिद, आई एम नॉट श्योर टू बी ऑनेस्ट. लेट नाइट स्मोकिंग, यस इट कैन स्मर्थ. स्मोकिंग निकोटिन इज अ स्टिमुलेंट. I want to know sleeping time for kids at this online classes time. Exam make anxious to them. My infant is very sound sensitive and she wakes up. See now, when it comes to kids na, unke liye sleep cycles ka amount gets bigger. To unko at least 9 se 11 ghante ka neend chahiye. Bachcho ko. So you have to work their sleeping hours around it. And if you guys are not controlling your kids' mobile phone usage, you are doing one of the biggest mistakes, I'm telling you. You have to start controlling your kids' gadget use. It's like, abhi agar tum tumhare bachcho ke liye gadget use ka koi limitation nahi hai, it's like, tumhare ghar pe daru ka bar hai, like, and tumne bar ki chabi apne bachcho ko di hui hai, and you are like, jitna bachcha pee, jitna peena ho. That's exactly what you're doing. Okay, I knew this question was coming, Akid. So some supplements to save to improve sleep. Jinko actual insomnia ka problem hai, wo log melatonin supplement lete hain. Melatonin supplements are safe to consume, but it will not solve your problem of insomnia. Insomnia has roots in so many different things. So it could be stress, it could be certain things which are bothering you, not letting you sleep. It could be your bad daily routine. So you have to fix the underlying cause. You can take melatonin supplements. But if I was to talk about pure nutrition, we have already spoken about the nutrition. Nutrition mein jo bhi humne jo main baatein ki hai na, kabhi get unsaturated fats, have nuts, good fatty fish, good healthy fats, high protein. Ye sari hi cheeze hi aayengi isme. Aur kuch zyada hai nahi. There is one specific amino acid that works really, really good for your sleep. It's called tryptophan. And that is the reason why you feel sleepy after eating rice. Because rice is rich in tryptophan. So sometimes you feel sleepy after eating rice. So any other thing apart from rice that has tryptophan? Does warm milk help? Turmeric milk, warm milk before sleep helps in sleep. I've heard about it. It does. But then you have to kind of think of other goals as well. तुम अगर weight loss कर रहे हो तो रोज रात को दूध पी के सोओगे तो that is kind of adding more calories which you are not going to utilize. So you have to kind of balance that out as well. Smart. Tryptophan is an amino acid which is present in almost all the protein sources. But rice थोड़ा सा उसमें ज़्यादा होता है. That's about it. So you are getting it. But there is the remotest connection that I could find. Because I was going through what are the common sleep-related questions that I might get. And this was one of the explanations. So, sure. Thank you. Yes. So, depression mein jo log hote hain, unko jo pills dete hain, to they sleep throughout the day. So, uska kya reason hai? Matlab, aap kyun sleep suggest kar rahe ho? Abhi aisa kyun hai? Hum suggest nahi kar rahe hain, but they do make you. They are nerve numbing chemicals. So but sir, I'm like, ऐसा नहीं है कि मैं सो के उठूंगी तो मैं भूल जाऊंगी, अरे शिट मेरे साथ ये ट्रॉमा हुआ था.
नहीं मैं एक महीने सोऊंगी फिर भी ऐसा नहीं होने वाला कि मैं ट्रॉमा ही भूल जाऊंगी तो व्हाई मेक देम सो दे आर नॉट इट्स नॉट देयर प्राइमरी एम टू मेक देम स्लीप इट्स नॉट है ना ओके इट्स वन ऑफ द इफेक्ट्स ऑफ इट सो देयर आर अदर मेडिसिंस एज वेल जैसे ब्लड प्रेशर मेडिसिन की बात कर रहे हैं सो दे डू मेक यू स्लीप एज वेल तो It's not primary aim basically. So antidepressants जो होते हैं उनका primary aim is to remove the serotonin blockage. है ना? So that's their thing. So dinner and bedtime में कितना gap होना चाहिए? What purpose? So wait, but on an average 4-5 घंटे का gap रखना चाहिए. 3 घंटा तो at least minimum. अगर तुम weight loss करने की try कर रहे हो 3 घंटा तो मिनिमम बेटर स्लीप के लिए 4-5 घंटे सो दैट योर डाइजेस्टिव सिस्टम चिल्स आउट एज वेल तुम तुम्हारे ब्रेन वेव्स को जितना कूल डाउन करोगे उतना अच्छे से तुम सो पाओगे आई फेस प्रॉब्लम ड्यूरिंग नाइट स्लीप एवरी डे आई फील नमनेस एंड पेन बर्निंग इन माय लेफ्ट हैंड व्हिच इज वेरी डिस्टर्बिंग अबाउट माय स्लीप एनी गाइड अबाउट दिस दिया इट कुड हैव सम अदर कॉजेस अटैच्ड टू इट सो आप जो बोल रहे हो नमनेस एंड पेन इन माय लेफ्ट हैंड It could be because of carpal tunnel syndrome. Have you checked it out? So, isko do check it out. Yes, Sumesh. Is there something about a particular time cycle for sleep? Like, for example, there are some people who are doing night shifts. Okay? Or there are some who say that they feel very active in the night. They can work with them concentration ke saath, and if they sleep early in the morning. So, aisa kuch ho sunrise, sunset. Kuch natural phenomena hai ki, you know, jab sunset ho jata hai, to sleep and, you know, ऐसा कोई अभी के लिए तो वो कनेक्शन रहा ही नहीं है वैसे क्रोनोटाइप सो द थिंग इज वी ऑल गो थ्रू डिफरेंट क्रोनोटाइप्स हमारी लाइफ में तो जब हम बच्चे होते हैं तो हम जल्दी सो जाते हैं और हमारा व्हेन वी आर किड्स हमारा क्रोनोटाइप इज ऑल ओवर द प्लेस हम कभी भी सो जाएंगे और कभी भी उठ जाएंगे है ना फिर वो चेंज होता जाता है जैसे जैसे हमारी स्कूल के टाइमिंग्स मॉडिफाई हो रहे हैं उस हिसाब से But then you get an adult, तुम्हारे work life के हिसाब से तुम्हारा chronotype set हो जाता है. So it's a very personal thing. And there is nothing wrong. There is nothing wrong if you are a night owl. If you are an early bird. Like किसी को, पर हमारे society ने उसको माना हुआ है ना कि भाई जल्दी उठेगा तो अच्छा इंसान है और देर से क्या रावण वावण से कुंभकर्ण से compare करते हैं all that. है ना? So there is no thing as that. सबका अपना अपना स्टाइल होता है कोई रात को 2 बजे सुन के 6-7 बजे सुबह उठ जाता है एंड कोई 10 बजे सो के 4-5 बजे उठ जाता है इट्स वेरी इंडिविजुअल बट हाउ टू फिगर आउट वेदर इट इज फॉर यू और नॉट इज द वे यू फील द नेक्स्ट डे सो अ ग्रेट मॉर्निंग स्टार्ट्स फ्रॉम द टाइम व्हेन यू स्लीप एंड हाउ गुड स्लीप दैट यू गेट ओके कूल यस आई हैव टू शूट ऑफ Because Sunday evening है, family has planned a dinner. तो बाकी के जो भी सवाल हैं, my WhatsApp is always open for you all, and I'll be sending you all this recording as well. And lastly, चलो camera चालू कर दो, एक selfie ले लेते हैं. Did we all have fun? आज भी मजा आया? Was good? Was it good? बहुत मजा आया. Thank you. Loved it. हम है ना हम कभी देख रही है हाय थैंक यू बाबा सॉरी वी विल डू अ सेशन ऑन जस्ट फन फैक्ट्स अराउंड स्लीप एंड ड्रीम यस प्लीज हाय चिनार तू आई हुई है कहाँ पे है किधर तू आई कांट सी यू Yeah. Okay. All right. Let's do a selfie. Yeah. Okay. Is there one of your friends? ये खाना खा लिया डॉक्टर. And the tail captain. Okay. All right. We have Haseeb all the way from. What the chef? Okay. On a count of 3, 2, 1. Cheese. एक और स्क्रीन है. चालू रखिए.
चालू रखना ओके. हाय कुशल, हाय त्रिशा, कहां स्क्रीनशॉट किधर गया? ओके, वन एंड टू. हाय जयश्री, एंड थ्री. ऑसम, ऑलराइट, चलो तो गुड बायस हो जाए. Have a good one. Thank you so much. अगले हफ्ते वापस से मिलते हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग कोई टॉपिक के साथ, शायद सोशल मीडिया एडिक्शन, बट लेट्स सी, पर पोल कर दिया जाएगा. बट डू शेयर योर फीडबैक विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, एंड दोस्तों को लेके आओ अगले सेशन में. मिलते हैं फिर, ठीक है? बाय स्मित, बाय स्मेश, बाय रोशनी, बाय कल्पना, बाय दिया, बाय दीपा, बाय पंकुरी, बाय आखिर, बाय बाय प्राची, बाय ध्वनि, बाय हिमादिति, बाय काजोल, बाय रुत्वी, बाय शुभांगी, बाय कालिंदी, बाय बाय नमिता, बाय हसीब, बाय त्रिशा, बाय कुशल, बाय श्रुति, बाय बाय निशानी, बाय विनय, बाय जीनत, बाय हनिया, बाय बाय ध्वनि, ठीक है, बाय रंजना, मिलते हैं.